Good morning, students. Welcome in the next practical of Pharmaceutics Fund. You have already completed two practicals of aromatic waters. Firstly, you have made chloroform water, then you have completed camphor water. Today, we are going to make peppermint water concentrated BP 1968. So, first of all, what is the object of the practical? Prepare and supply 50 ml पेपरमिंट वाटर कंसंट्रेटेड बीपी 1968, ये आपका ऑब्जेक्ट है कि आज आपने कौन सा वाटर बनाना है. आपने बनाना है पेपरमिंट वाटर. तो पेपरमिंट वाटर आप जानते हैं, पेपरमिंट का फ्लेवर सबने मतलब सब महसूस किया होगा, कभी ना कभी स्मेल किया होगा. क्लोरमेट वगैरह में जो पेपरमिंट का फ्लेवर आता है, तो पेपरमिंट जो है रिफ्रेशिंग होती है, बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर होता है. तो वही फ्लेवर जो है पेपरमिंट ऑयल के अंदर होता है, उसी फ्लेवर की वजह से ही हमने ये एरोमेटिक वाटर प्रिपेयर करना है. अब है आपका बीपी फॉर्मूला क्या है. पेपरमिंट ऑयल 20 ml, एल्कोहल 90%, 600 ml, प्योरीफाइड वाटर सफिशियंट टू प्रोड्यूस 1000 ml. ठीक है, तो क्या है, आपको सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो मेथड मैंने आपको बताया था. अब मैंने आपको ग्रुप में प्रैक्टिकल्स की पिक्स भी डालनी स्टार्ट कर दी हैं, तो उससे आप खुद जब फाइल बनाएंगे, जब आप खुद अपने हाथ से कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं. वही इकाई के मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं. तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, फॉर 1000 ml ऑफ वाटर पेपरमिंट ऑयल रिक्वायर्ड कितना है, 20 ml. यानी 1000 ml के लिए हमें पेपरमिंट ऑयल कितना चाहिए, 20 ml. फॉर 1 ml ऑफ वाटर आपको कितना चाहिए, और आपने बनाना कितना है, 50 ml. तो आप करेंगे फॉर 50 ml ऑफ प्योरीफाइड वाटर पेपरमिंट ऑयल रिक्वायर्ड कितना है, 20 ÷ 1000 × 50. तो आपका आंसर आएगा 1 ml. यानी जब आपने 50 ml बनाना है, तो आपको पेपरमिंट ऑयल कितना चाहिए, 1 ml. उसके बाद फॉर 1000 ml ऑफ वाटर एल्कोहल रिक्वायर्ड इज 600 ml. फॉर 1 ml ऑफ वाटर एल्कोहल रिक्वायर्ड इज 600 ÷ 1000, और आपने बनाना कितना है, 50 ml. फॉर 50 ml ऑफ वाटर एल्कोहल रिक्वायर्ड इज 600 ÷ 1000 × 50. तो आपका आंसर आएगा 30 ml. तो फिर आपने जब 50 ml बनाना है, तो आपको पेपरमिंट ऑयल चाहिए 1 ml, और आपको एल्कोहल चाहिए जो 30 ml. ठीक है, अब आपने इसको बनाना कैसे है, आपने क्या करना है, पहले कोनिकल फ्लास्क लेनी है. कोनिकल फ्लास्क आपकी जो है शुरू में बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर पहले से मॉइस्चर हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर जो है पहले से ही प्रेसिपिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो जब आप जैसे ही आप उसके अंदर ऑयल डालेंगे, इसलिए ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए आपकी जो कोनिकल फ्लास्क है. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क लेनी है, वॉश करनी है, और उसको आपने अच्छे से ड्राई करना है. अब ये जो आपकी ड्राई वाली कोनिकल फ्लास्क होगी, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने 30 ml इथाइल अल्कोहल डालना है. ठीक है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल आपने इसके अंदर डालना है. अब इसके अंदर आपने डालना है 1 ml पेपरमिंट ऑयल. ठीक है, इन दोनों को आपने अच्छे से शेक करना है, और ये सारा काम आपने कवर करके करना है. ऊपर से कोनिकल फ्लास्क को आपने कवर कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों चीजें वोलेटाइल है. अल्कोहल भी रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता है, और आपका पेपरमिंट ऑयल भी रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता है. जब आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब आपने इसके अंदर वाटर डालना है. अब आप वाटर कितना डालेंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 50 − 31, 19 ml वाटर. ठीक है, तो 19 ml वाटर जो है आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और अच्छे से शेकिंग करेंगे. अब ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताऊंगी, आप शेकिंग क्यों करेंगे, उसका कुछ रीजन है. रीजन क्या है कि आप जानते हैं कि जो वोलेटाइल ऑयल होता है, इसके अंदर एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक दोनों पार्ट्स होते हैं. जो फ्लेवर आ रहा है वो एरोमेटिक पार्ट की वजह से आ रहा है. ठीक है, तो वो जो एरोमेटिक पार्ट की जो अमाउंट होती है वो कम होती है,
और इसके अंदर नॉन एरोमेटिक टर्पीन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। जब आप वाटर अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक टर्पीन्स जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ पोर्शन इवन एरोमेटिक का भी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप आराम से डाल के अच्छे से शेकिंग करते हैं तो आपका ये पेपरमेंट वाटर बिल्कुल क्लियर बनता है। बट अगर मान लो थोड़ी बहुत प्रेसिपिटेशन हो भी जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट बना के मान लो आपकी प्रोडक्ट क्लियर नहीं बनी है तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर प्योरीफाइड टैल्क, ठीक है, वो डाल के उसको आपने जो है रखना है कुछ आवर्स के लिए, फ्यू आवर्स के लिए आपने प्योरीफाइड टैल्क इसके अंदर डाल के आपने रख देना है। तो क्या होगा, प्योरीफाइड टैल्क क्या होता है, इट एक्ट्स एज एब्जॉर्बेंट। तो ये एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है। 2.5 ग्राम आपने इसके अंदर प्योरीफाइड टैल्क डाल के रख देना है। ये जो भी एरोमेटिक पोर्शन होगा जिसके प्रेसिपिटेट बने होंगे या नॉन एरोमेटिक टर्पीन्स जिसके प्रेसिपिटेट बने होंगे उनको ये जो प्योरीफाइड टैल्क है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बीच बीच में आपने शेक करते रहना है और 4-5 घंटे के बाद जब आप इसको फिल्टर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर प्रोडक्ट मिलेगी, यानी जो वाटर की डेफिनेशन है एरोमेटिक वाटर की कि क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आपको बिल्कुल वैसी प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये आपका है पेपरमेंट वाटर बनाने का मेथड। स्टोरेज आप जानते ही है, वेल क्लोज कंटेनर, ठीक है, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, इवेपोरेट होता है, तो आपको इसको वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है। कैटेगरी इसकी वही है फार्मास्यूटिकल एड, यूज इसका है कार्मिनेटिव एंड फ्लेविंग एजेंट। मैंने हर प्रैक्टिकल में आपको बताया है व्हाट इज कार्मिनेटिव, व्हिच इज यूज्ड टू एक्सपेल आउट गैसेस फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड व्हाट इज फ्लेविंग एजेंट, एन एजेंट व्हिच इज यूज्ड टू इंपार्ट प्लेजेंट फ्लेवर टू द प्रिपरेशन एंड मास्क द अनप्लेजेंट फ्लेवर ऑफ द प्रिपरेशन। और डोज इसकी है 0.25 से लेके 1 ml तक, क्लियर। अब इसका जो आपने लेबल बनाना है, तो लेबल कैसे बनाना है, आपने ऊपर नाम लिखना है पेपरमेंट वाटर कंसेंट्रेटेड, पूरा नाम लिखना है पेपरमेंट वाटर कंसेंट्रेटेड बीपी 1968 और साथ में वॉल्यूम 50 ml। उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है पेपरमेंट ऑयल 20 ml, अल्कोहल 90%, 600 ml, प्योरीफाइड वाटर सफिशियंट टू प्रोड्यूस 1000 ml। यूजर लिखने हैं इसके कार्मिनेटिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। डोज लिखनी है 0.25 से 1.0 ml। इसकी स्टोरेज लिखनी है स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर, और उसके बाद डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अभी आपने डालनी नहीं है, सिर्फ कॉलम बना के आपने छोड़ देना है, और उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड बाय GRM AB कॉलेज ऑफ फार्मेसी कानपुर, क्लियर। इस तरीके से आपने ये प्रैक्टिकल जो है लिखना है, समझना है। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले ये देखिए बिल्कुल ड्राई कॉनिकल फ्लास्क, इसमें 30 ml अल्कोहल डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम 1 ml पेपरमेंट ऑयल। इसको हमेशा हमने कवर करके रखना है, ये बहुत जरूरी है, सबसे मेन जो प्रिकॉशन इसमें यही लेनी है हमने, इसको कवर करके रखना है। ये देखिए हमने इसके अंदर डाला, अब इसको हमने अच्छे से शेक करना है। ये देखिए पेपरमेंट ऑयल प्लस अल्कोहल, इसको अच्छे से कवर करके हम इसको शेक कर रहे हैं, तभी हम आपको जब प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करोगे तो हम आपको बड़ी वाली कॉनिकल देंगे ताकि आपको शेकिंग जो है आसान हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करते हैं,
आप लोग जस्ट देख रहे हैं, हम यहाँ स्मेल कर रहे हैं, बहुत तेज फ्लेवर है इस प्रोडक्ट का। पेपरमेंट ऑयल की बहुत अच्छी फ्लेवर आ रही है। ये देखिए, हमने इसके अंदर 19 ml वाटर ऐड कर दिया है। तो तीनों चीजें इसके अंदर हमने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। इसके साथ ये देख लीजिए आप, बिल्कुल क्लियर प्रोडक्ट आपकी बन गई है। ये है आपका पेपरमेंट वाटर कंसंट्रेटेड। बस जो प्रिकॉशंस आपने लेनी है, इसको कवर करके बनाना है और डालते हुए अच्छे से आपने साथ साथ शेक करते रहना है। फिर भी अगर कभी किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती भी है, इसमें कोई भी टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट आते हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लियर प्रोडक्ट है वाटर की तरह। तो आपने इसके अंदर प्योरीफाइड टैप डाल के कुछ आज के लिए रखना है और बाद में इसको फिल्टर कर देना है। तो ये प्रैक्टिकल भी आपको, इसकी भी पिक्चर्स आपको ग्रुप में डाल दी जाएंगी, आप अपनी फाइल में इसको भी नोट कर लीजिए। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एरोमेटिक वाटर, उसमें तीन प्रैक्टिकल्स हैं, क्लोरोफॉर्म वाटर, कैम्फर वाटर एंड पेपरमेंट वाटर। वो तीनों प्रैक्टिकल आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। थैंक यू।